नमस्कार, आप देख रहे हो अनूपगढ़ ज्योति भगवत माली की खास रिपोर्ट। गौशाला में 5 दिन से 75 गायों की मौत, ग्रामीणों ने किया मृत गायों का वीडियो वायरल, देख जागा प्रशासन। राष्ट्रीय संपादक एवं पत्रकार भगवत माली के आदेश अनुसार टीम ने गौशाला की जांच की। बानुसर क्षेत्र के गांव गुता शाहपुरा में स्थित बाबा खेतनाथ गौशाला का मामला। बाबा खेतनाथ गौशाला में 5 दिन में 75 से ज़्यादा गायों की मौत होने का मामला सामने आया है। बाबा खेतनाथ गौशाला के बाहर गायों के शवों के ढेर देखकर ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। प्रशासन एवं राष्ट्रीय पत्रकार भगवत माली को सूचना दी गई। सूचना पर बानुसर तहसीलदार जगदीश बेरवा वे अलवर से पशु चिकित्सा टीम के साथ गौशाले पहुंचे। गौशालों की इतनी बड़ी तादाद में मौत के बाद संचालक संस्था और प्रशासन की चेतना पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गौशाला में रोज़ गायें सर्दी से मर रही है, ये पता होने के बावजूद भी ना तो गायों को सर्दी से बचने के इंतजाम किए गए और ना ही प्रशासन को सूचना दी गई, बल्कि बड़ी तादाद में गायों के शवों को खुले में फेंका गया। प्रशासन भी गायों की लगातार मौतों से बेखबर बना रहा। ग्रामीणों के वीडियो वायरल करने पर जिला प्रशासन की नींद टूटी। छोटे बड़े हर समाचार देखने के लिए बने रहिए अनूपगढ़ ज्योति चैनल के साथ, और अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पास में लगे बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय हिंद। किराना व्यापारी एसोसिएशन अनूपगढ़ की तरफ से क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु अध्यक्ष कैलाश पारिक, उपाध्यक्ष संजीव कुमार शर्मा, सचिव मनीराम सारस्वत, कोषाध्यक्ष राजकुमार भटेजा, संगठन मंत्री जगदीश अग्रवाल, सह सचिव महेंद्र छाबड़ा और महेंद्र अग्रवाल एवं समस्त किराना व्यापारी अनूपगढ़।